दोस्तों, Xiaomi तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं जो कि हैं Redmi 6A, जो कि पिछले साल लॉन्च हुए Redmi 5A, यानी कि देश के स्मार्टफोन का अपग्रेड है। उसके बाद Redmi 6 और उसके बाद Redmi 6 Pro। तो इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे Redmi 5 को उसके अपग्रेड Redmi 6 से, और मैं Redmi 5A और Redmi 6A का कंपेरिजन वीडियो भी बनाऊंगा कुछ ही देर बाद। तो दोस्तों, Redmi 5 में था 14 नैनोमीटर पर बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर और Redmi 6 में है 12 नैनोमीटर पर बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो जाहिर सी बात है, Redmi 6 का प्रोसेसर फास्ट है। Redmi 5 काम करता था 1.8 GHz पे और Redmi 6 काम करेगा 2 GHz पे, तो ये भी इम्प्रूवमेंट है। Redmi 5 में था 12 मेगापिक्सल कैमरा और Redmi 6 में है 12+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा। Redmi 5 में था केवल 5 मेगापिक्सल का कैमरा, लेकिन Redmi 6 में है 5 मेगापिक्सल का कैमरा प्लस AI पोर्ट्रेट मोड। और Redmi 6 में आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता है वीडियो के मामले में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है इतने कम प्राइस में। Redmi 6 में आपको फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है, जो कि Redmi 5 में नहीं था। Redmi 6 में आपको डुअल 4G का सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग एक टाइम पे दो 4G सिम चला सकते हैं। और Redmi 6 Android Oreo पे काम करता है, साथ में MIUI वर्जन 9.6 पड़ा हुआ है। Redmi 6 में आपको 29 घंटों का कॉल टाइम मिल जाता है, यानी कि इसकी बैटरी बैकअप ज़्यादा है। और Redmi 6 की एक और खास बात यह है कि आप लोग दो सिम के अलावा एक मेमोरी कार्ड भी साथ में यूज़ कर सकते हैं, और बाकी का फिंगरप्रिंट और डिस्प्ले लगभग एक ही जैसी है। तो ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। मैं इन दोनों का प्राइस और इसकी बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।